इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीएससी सेंटर खोलने के लिए वीडियो केवाईसी कैसे किया जाता है। वीडियो केवाईसी वही हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग सीएससी सेंटर खोलने वाले होते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस ऐप में लॉगिन करने के लिए रेफरेंस नंबर और सिक्योरिटी कोड आपको रजिस्टर ईमेल पर भेज दिया गया होगा। और एक चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने फोन का लोकेशन को ऑन कर लेना है और जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा वहीं पर आपको वीडियो केवाईसी करना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको लोकेशन को ऑन ही रखना है अपने फोन के। इससे पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ पे खुलने वाला है, सीएससी सेंटर। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योरिटी कोड आपको ईमेल पे मिल जाएगा, वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर अपना डाल लेंगे और डाल लेने के बाद में प्रोसीड टू कैप्चर और वीडियो पे क्लिक करेंगे। सारा जानकारी अच्छा से फिल कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वीडियो कैसे आपको कैप्चर करना है। जहां पर भी आपका सेंटर है वहां पर ही आपको वीडियो बनाना है। वीडियो आपका 10 सेकंड का होगा। एक ए4 साइज पे आपको पेन नंबर और रेफरेंस नंबर लिख लेना है। और जब आप 10 सेकंड का वीडियो बनाइएगा तो बैकग्राउंड में आपका दुकान का फोटो आना चाहिए, दुकान का पूरा सीन आना चाहिए। और जब आपका वीडियो स्टार्ट होगा 10 सेकंड वाला, तो उसमें आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ को बोलना है। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे, वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको रेफरेंस नंबर और पेन नंबर लिख लेना है और अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम को बोलना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे एक बार वीडियो का देख लेंगे कि वीडियो आपका सही से शूट हुआ है या नहीं। यदि सही से शूट हुआ होगा तो प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे, वरना रीटेक पर क्लिक करेंगे और फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल हमारे केस में वीडियो अच्छा है, प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे इस बॉक्स को चेक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वीडियो का साइज के अनुसार कुछ समय लग सकता है अपलोड होने में, तब तक वेट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जब सारा प्रोसेस सही से कर लीजिएगा, कंग्रेचुलेशन का भी आपको मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब कुछ समय लगेगा इसको अप्रूव होने में, उनके टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया जाएगा और आपका CSC ID अप्रूव कर दिया जाएगा। एक मिथ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वीडियो KYC करते वक्त पीछे CSC का जो लोगो होता है, जो बैनर होता है, उसका कोई जरूरी नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कुछ इस टाइप से हम लोग CSC सेंटर खोलने के लिए वीडियो KYC को करते हैं। यदि अभी भी आपको कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।